आज का टॉपिक है को एंजाइम। को एंजाइम क्या होता है? ए सब्सटेंस डेट इनहेंस द एक्शन ऑफ एन एंजाइम। ऐसा सब्सटेंस जो एंजाइम के एक्शन को बढ़ा देता है उसी को हम को एंजाइम कहते हैं। को एंजाइम्स आर स्मॉल मॉलिक्यूल। को एंजाइम्स जो होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल होते हैं। दे कैन नॉट देम सेल्फ कैटलाइज। ये क्या होते हैं? खुद कैटलाइज नहीं होते, कैटलाइज रिएक्शन, बट दे कैन हेल्प एंजाइम टू डू सो। मतलब ये क्या करते हैं कि खुद कैटलाइज रिएक्शन में नहीं होते लेकिन एंजाइम के एक्शन को बढ़ाने में मदद करते हैं। जैसे एक नोट मिल गया है, एंजाइम इज ए प्रोटीन डेट फंक्शन एज ए कैटलिस्ट। जो एंजाइम्स होता है आपको पता ही है, एक प्रोटीन होता है और उनका उनका काम क्या होता है? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम होता है टू मीडिएट एंड स्पीड ए केमिकल रिएक्शन। जो क्या कहते हैं, एक मीडिएशन रहता है और क्या कहता है, केमिकल रिएक्शन को क्या स्पीड को बढ़ा देता है। इन टेक्निकल टर्म्स को एंजाइम्स जो होता है आर ए ऑर्गेनिक एंड नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल। एक दूसरा डिफिनीशन है क्या है कि जो को एंजाइम्स होता है ऑर्गेनिक और नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, मतलब वो प्रोटीन का मॉलिक्यूल नहीं होता है। डैट बाइंड विथ प्रोटीन मॉलिक्यूल, जो क्या कहते हैं, बाइंड कर जाता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को, जिसको हम एपो एंजाइम कहते हैं। एंड टू फॉर्म द एक्टिव एंजाइम, जिससे क्या होता है आपका एंजाइम जो होता है एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। फिर एक नोट्स है, होलो एंजाइम्स इज ए बायोकेमिकली एक्टिव कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम विथ को एंजाइम। एक होलो एंजाइम पूछेगा डिफिनेशन किसको कहते हैं। होलो एंजाइम्स क्या होता है? एक बायोकेमिकली एक्टिव कंपाउंड होता है जो किससे किससे मिला होता है, आपके एंजाइम और को एंजाइम से मिलके बना होता है। मतलब अगर एग्जाम में पूछता है होलो एंजाइम क्या होता है, होलो एंजाइम्स एंजाइम और को एंजाइम के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं। फिर जैसे आपका एक वो फिगर में दिया है, जैसे क्या है आपका ये एपो एंजाइम है। जो एपो एंजाइम है बिकम एक्टिव बाय बाइंडिंग को एंजाइम और को फैक्टर ऑफ एंजाइम। जैसे देखिए क्या है, आपका एपे कोई प्रोटीन ए वाला एंजाइम है, प्रोटीन मॉलिक्यूल है, उसको एपो एंजाइम भी हम बोलते हैं। वो क्या कर रहा है, जो आपका को एंजाइम है, को एंजाइम को हम को फैक्टर भी कहते हैं, वो इसे आके क्या हो रहा है, बाइंड हो जा रहा है। जब कोई भी प्रोटीन फैक्टर या प्रोटीन मॉलिक्यूल या एपो एंजाइम से कोई भी को एंजाइम आके बाइंड कर रहा है, एक्टिवेट हो जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है आपका, जब एंजाइम्स क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो जा रहा है, इससे कोई आके सब्सट्रेट क्या हो जाता है, इसमें जो एंजाइम की एक्टिव साइट है उससे आके अटैच हो जाता है, इसी को हम होलो एंजाइम्स कहते हैं। जब सब्सट्रेट आके एक्टिव एंजाइम के साइट पे है, क्या होता है, अटैच हो जाता है, उसको होलो एंजाइम्स कहते हैं, फॉर्म हो जाता है जो जिसमें क्या होता है, व्हेन एसोसिएटेड को फैक्टर को एंजाइम बाइंड टूगेदर एंजाइम एक्टिव साइट। वही बात है कि जब होलो एंजाइम कब फॉर्म होगा, जब क्या होगा, जो आपका को एंजाइम बाइंड होगा एंजाइम के एक्टिव साइट पे आके। आपको ये फिगर दिया गया है, इसको समझ जाइएगा कि जो लिस्ट आपको एंजाइम कौन कौन से हो सकते हैं। पहला क्या है, थाइमीन होता है, दूसरा राइबोफ्लेविन होता है, तीसरा क्या है, निकोटामाइड होता है, चौथा विटामिन B6 होता है, सातवां लिपोइक एसिड होता है, छठा बायोटीन होता है, सातवां फोलिक एसिड होता है, आठवां विटामिन B12 होता है और नौवां आपका पेंटोथेनिक एसिड होता है। ठीक है, फिर एक एक के बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या है, जैसे एग्जाम में पूछ सकता है, व्हाट इज कोएंजाइम, डिफाइन द बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ थायमिन। ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकता है राइबोफ्लेविन, तो एक एक का मैं बता रही हूँ। सबसे पहले थायमिन का है, थायमिन जो होता है उसको थायो विटामिन या विटामिन B1 भी कहते हैं। आपको पता है विटामिन B1 को ही हम थायमिन कहते हैं। ये क्या होता है, को एंजाइम होता है, इन्वॉल्व होता है कैटाबोलिज्म ऑफ शुगर और अमीनो एसिड। मतलब जब शुगर और अमीनो एसिड का कैटाबोलिज्म करते हैं उसमें को एंजाइम जो यूज़ होता है वो आपका विटामिन B1 या थायमिन होता है। फिर इसका बायोकेमिकल फंक्शन क्या है थायमिन का, देयर आर मैनी बैक्टीरिया इन विच थायमिन इज कंसर्न्ड विद पेंटोज मेटाबॉलिज्म। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या होता है कि जो कंसर्न्ड किया जाता है पेंटोज मेटाबॉलिज्म में, वो कौन सा होता है, थायमिन के जैसे ही होता है। फिर जो थायमिन पायरोफॉस्फेट सो द पार्टिसिपेशन इन ट्रांस कीटोलेज एंड अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेस। जो आपका एंजाइम है अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेस और ट्रांस कीटोलेस, उसमें क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है थायमिन पायरोफॉस्फेट जो होता है।
फिर आपका दूसरा आपका कोएंजाइम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन को हम क्या कहते हैं, विटामिन B2 भी कहते हैं, और E101 फूड कलर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इट इज़ इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ एनर्जी। ये कब किस में इन्वॉल्व होता है, जो एनर्जी को मेटाबोलाइज करने में, फैटी एसिड को मेटाबोलाइज करने में, प्रोटीन को मेटाबोलाइज करने में, और कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करने में। मतलब क्या करता है, जो राइबोफ्लोविन है उसको विटामिन B2 के नाम से भी जाना जाता है, E101 फूड। ठीक है, फिर क्या है, बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ राइबोफ्लेविन। जो राइबोफ्लेविन होता है वो ब्रेक डाउन होता है प्रोटीन से, फैट से और कार्बोहाइड्रेट से। राइबोफ्लेविन जो होता है वाइटल रोल होता है मेंटेनिंग द बॉडी एनर्जी सप्लाई। राइबोफ्लेविन जो होता है वो क्या होता है, बॉडी के एनर्जी सप्लाई को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो राइबोफ्लेविन होता है वो हेल्प करता है किसको, कार्बोहाइड्रेट को ATP में कन्वर्ट करने, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट में इसको कन्वर्ट करने में कौन हेल्प करता है, आपका जो क्या नाम राइबोफ्लेविन है करता है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड जो होता है ये भी कोएंजाइम होता है, इसको निकोटीन एसिड या एमाइड या नियासिनामाइड कहते हैं। ये कहाँ अकर किया जाता है, ये एंजाइम्स होता है विटामिन इन विटामिन फॉर्म जो होता है NAD, NAD+, NAD का फुल फॉर्म होगा निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड एंड NADPH के रूप में। निकोटिनामाइड एडोनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट के रूप में ये क्या होता है, आपका कोएंजाइम्स पाया जाता है। जो फिर बायोकेमिस्ट्री फंक्शन ऑफ निकोटिनामाइड, जो बायोकेमिस्ट्री इसका क्या है, निकोटिनामाइड नियासिनामाइड या और विटामिन B3 जो होता है प्रिकर्सर होता है कोफैक्टर का, कोएंजाइम्स का कोफैक्टर का, निकोटिनामाइड जो होता है एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड NADPH और आपका एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADPH विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर वेराइटी ऑफ बायोकेमिकल। मतलब NADH और NADPH जो होता है आपको पता ही है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को करने के लिए। नियासिनामाइड जो होता है फ्यू स्टेप होता है प्लस इंक्रीज करता है कोलेजन को, ग्लाइको एमिनो ग्लाइकॉन में प्रोडक्शन में, और बूस्टिंग करता है डर्मल मैट्रिक्स को, जिससे क्या होता है कंपोनेंट जो होता है जो जो आपका जो स्मूथ कर देता है किसको, रिंकल्स को, जो भी रिंकल्स होते हैं उसको क्या कहता है आपका निकोटिनामाइड, उसको स्मूथ कर देता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।